नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुंबई के क्रूज ड्रग्स कांड में एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच लड़ाई जोर पकड़ चुकी है। कल बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने का धमाका किया, तो आज नवाब मलिक ने फडणवीस के खिलाफ आरोपों का हाइड्रोजन बम फोड़ने की चेतावनी दी है। नवाब मलिक सुबह करीब 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। नवाब मलिक ने फडणवीस पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने के आरोप लगाए थे। इसके बाद फडणवीस ने भी मलिक पर पलटवार करते हुए आरोप लगाए। फडणवीस ने दावा किया कि कुर्ला में 3 एकड़ जमीन को गोवा वाला कंपाउंड कहा जाता है और यह जगह एलवीएस रोड पर है। इस जमीन की एक रजिस्ट्री सोल्डर्स नाम की कंपनी के साथ हुई। मरियम बाई गोवा वाला और पावर ऑफ अटर्नी कौन है? सलीम पटेल बिक्री करने वाले सरदार शहाब अली खान, इन दोनों से मिलकर जमीन सोल्डर्स इन्वेस्टमेंट कंपनी बेची थी जो नवाब मलिक जी के परिवार की है। कागजों पर फराज मलिक के साइन है। फडणवीस अपने आरोप में जिस फराज मलिक का नाम ले रहे हैं वो नवाब मलिक के बेटे हैं और जिस सोलेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी पर फडणवीस आरोप लगा रहे हैं उसमें मलिक परिवार की हिस्सेदारी भी है। इस जमीन की रजिस्ट्री में शहाब अली खान और सलीम पटेल का नाम है और फडणवीस का आरोप है कि पैसा भी इन्हीं के खातों में जमा किया जाता है। फडणवीस के मुताबिक जो सरदार शहाब अली खान से नवाब मलिक के बेटे ने जमीन खरीदी वो मुंबई बम ब्लास्टर का गुनाहगार है। 1993 सीरियल ब्लास्ट केस में शहाब अली खान को उम्र कैद की सजा हुई और वो जेल में है। शहाब अली खान ने धमाकों से पहले मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और महानगर पालिका की रेकी की थी। जिस दूसरे शख्स सलीम पटेल का नाम फडणवीस ने लिया वो दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का ड्राइवर और बॉडीगार्ड है। ऐसे में जो ड्रग्स मामला है वो पूरी तरह से पर्सनल होता हुआ नजर आ रहा है। नवाब मलिक और फडणवीस के बीच ये जो तीखे वार हैं वो कल से ही देखने के लिए मिल रहे हैं।